जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का अध्याय 25, जिसमें बताया गया है रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उनके विविध भेदों का वर्णन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सूत जी कहते हैं, महाप्रज्ञ महामति शिव रूप सोनक, अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूँ, सुनो। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से यह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों को उपहार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, महेश्वरी, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन से सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से रुद्राक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ प्रदेश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयागिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असंख्य पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्ष की जाति के शुभ आज भी हैं। ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्ष के वर्ण श्वेत रक्त तक जाने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि विवरण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों का अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष श्रेष्ठ बताया गया है। जो पेड़ के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई गई है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वो इतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथ और फलों की सिद्धि करने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे ही वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष की विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण मनोरथों का साधक है, अतः उसे अवश्य धारण करना चाहिए। परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसा ही फलदायी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने मजबूत स्थूल कंटक युक्त उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलक्षित पदार्थों से दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूट गया हो, फूट गया हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो वर्ण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही छेद हो गया हो वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है।
इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। शक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष का सुंदर मुकुट बुना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 रुद्राक्ष को लंबे सूत्र में पिरो कर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्त पुराण पुरुष उनका यह गुप्त तैयार करे और उसे यथास्थान धारण किया रहे। इसके बाद किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए यह बताकर सूजी बोले, महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्ष धारण गूंथी हुई माला धारण करें तथा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लिसोड़ा आदि को त्याग दे। गिरिराज नंदिनी उमें श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष श्रेणियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्र को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उमें पहले आंवले के बराबर और फिर उसके भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें। जो रोगी हो, जिनमें दाने ना हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलकांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करने चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अंत तोगत्व चने के बराबर लघुत्तर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्र को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हों तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा है उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं, उनमें भेदों का वर्णन करता हूँ। ये भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव्य नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात काल रागिनी रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है। सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। 5 मुखी रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी, 7 मुख वाला रुद्राक्ष आनंद स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति वैरव है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति प्रायण हो अपने बाएं हाथ में 9
मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है वह निश्चित ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है, उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष को केस प्रदेश में धारण करें, उसके धारण करने से मानव मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विष्णु का स्वरूप है, उसको धारण करने के मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट को पाता है और सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष परम शिव रूप है, उसे भक्तिपूर्वक मस्तक पर धारण करें, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रम से उन रुद्राक्षों को धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ओम ह्रीम नमः, ओम नमः, ओम क्लीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम हुम नमः, ओम हुम नमः, ओम हुम नमः, ओम ह्रीम हुम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम हुम नमः, ओम क्राम क्षाम राम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रम से 1 से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधु जो चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो, संपूर्ण की सिद्धि के लिए मंत्रों द्वारा रुद्राक्ष को धारण करे। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी और यह सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो करीब होते हैं वह सब रुद्राक्षधारी को देखकर दूर खिसक जाते हैं। पार्वती रुद्राक्ष माला धारण पुरुष को देखकर शिव भगवान विष्णु देवी दुर्गा गणेश सूर्य आदि देवता प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा धर्म की बुद्धि के लिए भक्तिपूर्वक मंत्रों द्वारा विधिवत धारण करना चाहिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कहा। मैंने तुम्हारे समक्ष इस विधि संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। दोस्तों, ये सब था बताया हुआ अध्याय 25 में और इसके साथ ही हमारी विद्येश्वर संहिता आज समाप्त हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।